नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अद्भुत रहस्य YouTube चैनल में। इस चैनल में हम आपको दिखाते हैं अद्भुत, आश्चर्यजनक, रोमांचित कर देने वाली कहानियाँ और किस्से, ब्रह्मांड के अद्भुत रहस्य और उनसे जुड़ी बहुत सारी रोचक जानकारी। तो दोस्तों, सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए अद्भुत रहस्य यूट्यूब चैनल को, क्लिक कीजिए बेल आइकन पर जिससे कि आपको हमारे लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहेंगे। हमारे वीडियोस को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। दोस्तों, आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं हीर रांझा की प्यार की कहानी। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी जानना चाहते हैं हीर रांझा के प्यार की कहानी तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। पाकिस्तान की चेनाब नदी के किनारे पर तख्त हजारा नाम का गांव था। यहाँ पर रांझा जनजाति के लोगों की बहुतायत थी। मौजू चौधरी गांव का मुख्य जमींदार था और उसके 8 पुत्र थे। रांझा उन सभी भाइयों में सबसे छोटा था। रांझा का असली नाम ढीडो था और उसका उपनाम रांझा था, इसीलिए उसे सभी रांझा कहकर बुलाते थे। रांझा सभी भाइयों में छोटा होने के कारण अपने पिता का बहुत लाडला था। रांझा के दूसरे भाई खेती में कड़ी मेहनत करते थे और रांझा बांसुरी बजाता था। अपने भाइयों से जमीन के ऊपर विवाद के चलते रांझा ने घर छोड़ दिया। एक रात रांझा ने एक मस्जिद में आश्रय लिया और सोने से पहले समय व्यतीत करने के लिए बांसुरी बजाने लगा। मस्जिद के मौलवी साहब ने बांसुरी का संगीत सुना तो उन्होंने बांसुरी बजाना बंद करने को कहा। जब रांझा ने इसका कारण पूछा तो मौलवी ने बताया कि बांसुरी का संगीत इस्लामिक नहीं है और ऐसा संगीत मस्जिद में बजाना वर्जित है। जवाब में रांझा ने कहा कि उसकी धुन इस्लाम में कोई पाप नहीं है। मौलवी को कोई दूसरा विकल्प नहीं सूझा और उन्होंने उसे मस्जिद में रात रुकने दिया। असली सुबह वो मस्जिद से रवाना हो गया और दूसरे गांव में पहुंचा, जो हीर का गांव था। सियाल जनजाति के संपन्न जाट परिवार में एक सुंदर युवती हीर का जन्म हुआ था, जो अभी पंजाब है और वो पंजाब जो पाकिस्तान में है। हीर के पिता ने रांझा को मवेशी चराने का काम सौंप दिया। हीर रांझा की बांसुरी की आवाज में मंत्रमुग्ध हो जाती थी और धीरे धीरे हीर को रांझा से प्यार हो गया। वो कई सालों तक गुप्त जगहों पर मिलते रहे। एक दिन हीर के चाचा कैदो ने उन्हें साथ साथ देख लिया और सारी बात हीर के पिता और माँ मालकी को बता दी। अब हीर के घर वालों ने रांझा को नौकरी से निकाल दिया। दोनों को मिलने से मना कर दिया गया। हीर को उसके पिता ने सैदा खेरा नाम के व्यक्ति से शादी करने के लिए कहा। मौलवियों और उसके परिवार के दबाव में आकर उसने सैदा खेरा से निकाह कर लिया। जब इस बात की खबर रांझा को पता चली तो उसका दिल टूट गया। वो ग्रामीण इलाकों में अकेला दर दर भटकता रहा। एक दिन उसे एक जोगी गोरखनाथ मिला। गोरखनाथ जोगी संप्रदाय के कानफटा समुदाय से था और उसके सानिध्य में रांझा भी जोगी बन गया। रांझा ने भी कानफटा समुदाय की प्रथा का पालन करते हुए अपने कान छिदा लिए और भौतिक संसार को त्याग दिया। रब का नाम लेता हुआ वो पूरे पंजाब में भटकता रहा। अंत में उसे हीर का गांव मिला जहां वो रहती थी। वो हीर के पति सैदा के घर गया और उसका दरवाजा खटखटाया। सैदा की बहन सहती ने दरवाजा खोला। सहती ने हीर के प्यार के बारे में पहले ही सुन रखा था। सहती अपने भाई के इस अनैच्छिक शादी के विरुद्ध थी। उसने अपने भाई की गलतियों को सुधारने के लिए हीर को रांझा के साथ भागने में मदद की। हीर और रांझा वहां से भाग गए, लेकिन उनको राजा ने पकड़ लिया। राजा ने उनकी पूरी कहानी सुनी और मामले को सुलझाने के लिए काजी के पास लेकर गए। हीर ने अपने प्यार की परीक्षा देने के लिए आग पर हाथ रख कर कहा कि वो रांझा से बहुत प्यार करती है। राजा उनके असीम प्रेम को देख कर समझ गया और उन दोनों को छोड़ दिया। वो दोनों वहां से हीर के गांव गए जहां उसके माता पिता निकाह के लिए राजी हो गए। शादी के दिन हीर के चाचा कैदो ने उसके खाने में जहर मिला दिया ताकि ये शादी रुक जाए। ये सूचना जैसे ही रांझा को मिली वो दौड़ता हुआ हीर के पास पहुंचा, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। हीर ने वो खाना खा लिया था जिसमें जहर मिला था और उसकी मौत हो गई। रांझा अपने प्यार की मौत के दुख को झेल नहीं पाया और उसने भी वो जहर वाला खाना खा लिया। उसके करीब उसकी मौत हो गई। हीर और रांझा को उनके पैतृक गांव झंग में दफन किया गया।
दोस्तों ऐसा माना जाता है कि हीर रांझा की कहानी का सुखद अंत था, लेकिन वारिस शाह ने अपनी कहानी में इसका अंत दुखद बताया था। वारिस शाह ने स्थानीय लोकगीतों और पंजाब के लोगों से हीर रांझा की प्रेम कहानी के बारे में पता कर कविता लिखी थी, जिसका वहां के सभी लोग अनुसरण करते हैं। उसके अनुसार ये घटना आज से 200 साल पहले वास्तविकता में घटित हुई थी, जब पंजाब पर लोदी वंश का शासन था। इस कहानी से प्रेरित होकर भारत और पाकिस्तान में कई फिल्में बनी, क्योंकि इस घटना के वक्त भारत पाकिस्तान विभाजन नहीं हुआ था। विभाजन से पहले हीर रांझा नाम से 1928, 29, 31, 48 में कुछ 4 फिल्में बनी। हालांकि ये चारों फिल्में उतनी सफल नहीं रही। विभाजन के बाद 1971 में हीर रांझा फिल्म भारत में बनी, जिसमें राजकुमार और प्रिया राजवंश मुख्य कलाकार थे और ये फिल्म काफ़ी सफल रही। इसके बाद 2009 में हीर रांझा फिल्म पंजाब में बनी, जिसमें गुरदास मान मुख्य अभिनेता थे। पाकिस्तान में 1970 में हीर रांझा फिल्म बनी थी और 2013 में हीर रांझा धारावाहिक पाकिस्तानी चैनल PTV पर प्रसारित होता था। तो दोस्तों ये थी हीर रांझा के प्यार की कहानी। अगर आप इस कहानी से संबंधित कोई अपडेट हमें देना चाहते हैं तो उस बारे में भी हमें ज़रूर लिखें। आप अपनी राय और सुझाव हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। देखते रहिए अद्भुत रहस्य यूट्यूब चैनल। हमारे वीडियोज़ को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें।